जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के जलौन में किसानों का हालचाल जानने पहुंचे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने खाद और बीज की कमी पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बुंदेलखंड में भी अब दो दो तीन तीन फसल लोग लेने लगे, इसलिए नहरों का संचालन ठीक हो, ट्यूबवेल की स्थिति ठीक हो और लघु सिंचाई के द्वारा मध्यम उतले गहरे जो पंप सेट मुख्यमंत्री योजना के अनुसार छूट में दिए जाते हैं वो भी अधिक मात्रा में लोगों को मिले, इसकी चिंता हो। और जो बोरिंग हमारे ट्यूबवेल के ऐसे हैं जो लगता है कि यांत्रिक और विद्युत दोष हैं तो वो भी तुरंत ठीक हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। आज उसकी समीक्षा बैठक है और टेल और नहरों की सफाई के लिए उसकी योजनाएँ इस बार लिया हूँ मैंने। आदर्श नहरें यानी कुछ प्रत्येक जनपदों में कई नहरों में कि ये आदर्श नहर हो, अच्छी नहर हो मतलब, और उसका मेंटेनेंस, उसकी लाइनिंग और टेल तक पानी वो पहुँचे, इसी के लिए तो जो मैं देख रहा हूँ अधिकारी सब काम कर रहे हैं नीचे और किसान नीचे तक मैं देखने भी जाऊँगा, लेकिन अभी यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा पानी नहरों में चल रहा है, अब वह रोस्टर के हिसाब से बंद करके ये लोग काम शुरू करेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ की सफाई कैसी हो रही है, तो उसी के लिए मैं आया था। मंत्री जी, पानी तो पहुँच रहा है लेकिन किसानों को खाद की दिक्कत हो रही है, तो खाद की थोड़ा ये सब कठिनाइयाँ कभी कभी बीच में आती है, विश्व में युद्ध चलता है तो अंतर्राष्ट्रीय सब थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी किसान को किसी प्रकार की तकलीफ न हो इसके लिए राज्य सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार और अधिकारी भी, कृषि अधिकारी कृषि मंत्री भी रात दिन लगे हुए हैं किसी किसान को तकलीफ न हो किसी प्रकार का, और शासन प्रशासन भी थोड़ा किसी प्रकार का लाठीचार्ज कुछ नहीं, किसानों के घर तक खाद पहुंचे, किसानों को सुविधा से खाद मिले, इसकी चिंता हो रही है। नेशन मिरर के लिए जलौन से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।